नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारे चैनल गिरिनक्ष में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप कलम से प्लांट लगाते हैं और ख़रीद कर प्लांट लगाते हैं, ग्राफ्टिंग से प्लांट लगाते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप जो कलम से प्लांट लगा लेते हैं और वो लगने के बाद फिर वो मरने लगता है, तो आप उस लगते हुए प्लांट को कैसे बचाएँगे। ये देखिए, इस वीडियो में मैंने ट्रायंगल हार्ट की कलम लगाई है और नीचे कोलियस की थी, तो ये सब तो लग चली है। और जो मैं वीडियो आपको बता रहा हूँ उस प्लांट के बारे में, वो है गुलदाउदी का। जी हाँ दोस्तों, मरते हुए प्लांट को किस तरह से बचाएं, यानी कलम लग गई है। ये देखिए, ये मैंने क्रिसेंथेमम की कटिंग करके लगाई थी आज से करीब 15-20 दिन पहले, और ये ग्रो हो गई थी। इसके बाद ये डाई होने लगी है, यानी मरने लगी है। तो इस मरते हुए प्लांट को आप किस तरह से बचाएंगे, दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है। प्लीज़ वीडियो को पूरी देखिएगा, प्लीज़ स्किप मत करिएगा। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। ये क्रिसेंथेमम दोस्तों बहुत ही खूबसूरत कलर का है, गोल्डन येलो, और इसको मैंने कटिंग कहीं से लाया हुआ था, 3 से 4 इंच की कटिंग थी, वो लग गई, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मगर फिर देखा मैंने ये डाई होने लगी है। तो इस मरते हुए प्लांट को आप किस तरह से बचाएंगे, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। देखिए, सबसे पहले तो प्लांट के आपको ऊपरी सतह चेक करना है, पत्तियाँ कितनी सूख गई हैं, उसकी स्टेम कितनी, उसमें जान है या नहीं है, इस तरह से आपको चेक करना है पत्तियों को रिमूव करते हुए। अगर पत्तियाँ में थोड़ा सा अंश है, यानी कि पत्तियों में गीलापन है, तो आप उस प्लांट को वहीं पे आप कटिंग करके छोड़ दें, नहीं तो आपको पूरा धीरे धीरे करके कटर से आपको काटना है, जहाँ तक कि हरियाली उसमें दिखे ना स्टेम में, यानी कि ये सूखा हुआ है। आप इसको उंगली से दबा करके देख सकते हैं, ये टूट जा रही पत्तियाँ स्टेम, तो इसको आप हटा दीजिए, यानी कटिंग करके निकाल दीजिए, और धीरे धीरे करके आपको नीचे तक जाना है। जी हाँ, आप जो है नाइफ की मदद से या खुरपी की मदद से उस प्लांट को पूरा बाहर निकाल लीजिए संभाल करके, क्योंकि ये डैमेज हो चला है और इसमें रूट इसमें निकली हुई है, और उस रूट को भी बचाना है हमें, तो संभाल करके धीरे से खींच लेना है, जिससे हमारे प्लांट के पूरे रूट संभाल कर बाहर आ जाए, और इस प्लांट को संभालना है, क्योंकि बहुत ही न्यू कलर का ये हमें दिखा और मैंने इसको कटिंग करके लाया और ये लगाया, लग भी गया, लेकिन किसी कारणवश पानी और वाटरिंग की वजह से ये थोड़ा सा डाई होने लगा है। तो मैंने इसको स्क्रैच करके देखा, धीरे धीरे इसमें हरियाली अभी है, यानी कि मेरा अभी जो है 50% चांस है इस प्लांट को बचाने का। जी हाँ, आप इस तरह से स्क्रैच करिए अपने नाखून से या नाइफ से, और देखिए इसमें हरियाली, यानी कि इस प्लांट को बचा सकते हैं और पूरी तरह से बचा सकते हैं। दोस्तों ये देखिए, स्क्रैच किया मैंने, इसमें देखिए हरियाली दिख रही है आप लोगों को। तो यही मेथड है, प्लांट कोई भी हो, आपको धीरे धीरे स्क्रैच करते हुए नीचे की ओर जाना है, रूट की तरफ, और जहाँ पे स्टेम कम से कम एक नोड एरिया तो बचा ही होना चाहिए, क्योंकि उसमें से जो है किल्ले निकल सकें, ज़रूरी है। जी हाँ, और उसके बाद फिर आपको जो है धीरे धीरे करके जो कटिंग कर देना है कटर की मदद से, और पूरी पत्तियाँ और स्टेम को रिमूव कर देना है। जी हाँ, क्योंकि डाई बैक हो जाता है, जब पत्तियाँ और स्टेम सूखने लगती हैं बड़ी तेज़ी से वो डाई बैक होते हैं, यानी बैक की ओर, यानी रूट की ओर भागते हैं सूखते हुए, और आपको धीरे धीरे कटिंग करना है। जी हाँ, ये थोड़ी सी लापरवाही मेरी और वाटरिंग की वजह से ये प्लांट मेरा बन गया था। देखिए कितनी बढ़िया रूट इसमें निकली हुई है, ये करीब 15-20 दिन की ये मेरी स्टेम कटिंग लग गई थी, थोड़ी सी लापरवाही हुई, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो दोस्तों, इस तरह से आपको अपने प्लांट को बचाना है मरते हुए, कोई भी प्लांट हो। जी हाँ, अब प्लांट को लगाने के बाद, सेव करने के बाद आपको सेमी सेडेरियम रखना है 15-20 दिन कम से कम। ये देखिए मैंने कटिंग कर दी है, इसमें देखिए हरियाली नीचे तक है, इस बात का आप ध्यान रखें दोस्तों, हरियाली रहे तभी आप उसमें वर्क करिए। जी हाँ, इसमें हरापन है अभी, और मैं इस प्लांट को पूरी बचाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि जो प्लांट आप कटिंग से लगाते हैं तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता, क्योंकि प्लांट बन जाते हैं, पैसे से तो सभी प्लांट खरीद लेते हैं, मगर जब कटिंग से आप लगाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है दोस्तों। तो मैंने इसको फिर संभाल करके धीरे से, इसके रूट को ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है, जो मिट्टी लपटी उसको लपटी रहने दीजिए, उसमें पूरी तरह से रूट को आप कभी भी मत क्लीन करिए पानी से या जो है झाड़ करके, और ये उसी पॉट में फिर आपको धीरे से लगा देना है। दोस्तों, आप इस मार्च के महीने में भी कटिंग लगा सकते हैं, जो कि गर्मी शुरू हो गई है, कोई टेंशन नहीं, आप लगा सकते हैं अभी कटिंग, 100% से ये वर्क करेगा।
और इसके बाद दोस्तों पानी डालने के बाद आपको सेमी सिडेरिया में धीरे से इसको रख देना है दोस्तों। थोड़ा सा पानी जरूर डालिए क्योंकि करीब परेशान ना हो, हॉस्पिटल जाता है तो उसको जो है ग्लूकोज जरूर चढ़ता है, यानी कि पानी साढ़े तीन हो तो करीब परेशान ना हो, पानी जरूर दे दीजिए अपने प्लांट को जो भी हो। और मेथड ये आपको अपनाना है, टाई बैक करते हुए आपको कटिंग करते हुए स्केच करते हुए नीचे रूट की ओर जाना है और हरापन हो उसमें स्टेम में, फिर आप उस पर वर्क करिए और इसको ऐसे सीमेंट शेड एरिया में रखिए जहाँ पे धूप ना आती हो। जी हाँ, ये मैंने दो गमलों के बड़े के बीच में मैंने रख दिया है, यहाँ पे फर्स्ट क्लास ठंडी रहती है और ये बड़े प्लांट हैं दोनों, इसको जो है अपने बीच में समाये हुए हैं। ये चाइना वायलेट है और ये दूसरा जो है लैला मजनू है। जी हाँ, और मैं फिर इसको आपको 15 दिन के बाद का मैं आपको रिजल्ट दिखा रहा हूँ, ये देखिए 15-17 दिन का। और ये देखिए इसमें स्टेम में पत्तियाँ निकल आई हैं, मैंने आपको बताया था 1-2 पत्ती नोड एरिया ज़रूर हो कम से कम किला निकलने के लिए। दोस्तों इसी तरह से आपको सभी प्लांट अपने बचाने हैं और प्लांट को बचा करके आपको जो खुशी मिलती है उसका कोई जो है मोल नहीं होता है। दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे हमारे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये पत्ती हल्की सी जो थोड़ी सी डल है ये गर्मी का टेम्परेचर की वजह से है, बाकी धीरे धीरे सब सही हो जाएगा, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। दोस्तों बच्चों को भी मोटिवेट करते रहें, प्लांट लगाते रहें, आप भी बच्चों को भी मोटिवेट करते रहें लगाने के लिए। और हाँ दोस्तों, कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। कल मैं फिर मिलूँगा एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। अब अपने दोस्त को आज्ञा दीजिए, दोस्तों ये मेरा प्लांट लगभग क्लियर हो गया है, ICU से बाहर आ गया है, यानी कि लगभग सही हो गया है। अब इसको मैं 10-12 दिन और सेमी सिडेरियम रखूँगा, उसके बाद मैं बड़े पॉट में ट्रांसप्लांट कर दूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, गुड बाय दोस्तों।